नेपाल बॉर्डर पर आयोजित होने वाले संत सम्मेलन में सहभागिता करने जा रही विश्व हिंदू परिषद की सातवीं प्राची जनपद संभल के चंदौसी के एक निजी आवास पर रुककर प्रेस वार्ता रखी और उत्तर प्रदेश में तेजी से हो रहे बलात्कार का जिम्मेदार नेहरू खानदान को ठहराते हुए कहा, राहुल गांधी पर आपराधिक मुकदमे होने चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी हिंदुस्तान की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं, गलत बयानबाजी करके। चाहे कोई भी बलात्कारी हो, उस पर कोई दलील या अपील नहीं होनी चाहिए। ऑन द स्पॉट बलात्कारी के साथ फैसला होना चाहिए। हैदराबाद में जो कार्यवाही हुई है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। बहुत अच्छी कार्यवाही हुई। इस तरह की बयानबाजी करके देश के अंदर एक गंदा माहौल पैदा ना किया जाए। और ये जो आज आपने भी पूछा, आतंकवाद हो या भ्रष्टाचार हो या फिर अलगाववाद, और इतना ही नहीं, चाहे बलात्कार की जो घटनाएं बढ़ रही हो, उसके जिम्मेदार केवल और केवल नेहरू खानदान है। नेहरू खानदान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। 70 साल तक तो शासन ही उन्होंने किया है, उसकी जिम्मेदारी ईद की है। इसीलिए ये जो आज बयानबाजी करके केवल मीडिया में अपना नाम हासिल करा रहे, तो ये उचित नहीं। अच्छा, बयान के लिए इन पे कोई अपराध मुकदमा लगना चाहिए, किस तरीके का? निश्चित लगना चाहिए। हिंदुस्तान की छवि को खराब कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी पर आपराधिक मुकदमे होने चाहिए और ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी में लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं, रेप के मामले, हैदराबाद मामला हुआ, संभल में ही मामला हुआ, तो मामले क्यों निकल पा रहे? जबकि देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और पहले भी मैंने कई बार इस पर चर्चा की है। चाहे कोई भी हो बलात्कारी, उस पर ना तो सुनवाई होनी चाहिए, उस पर ना दलील होनी चाहिए, ना अपील होनी चाहिए, ना ही सुनवाई होनी चाहिए। एट द स्पॉट उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हैदराबाद में जो कार्रवाई, बहुत अच्छी कार्रवाई हुई, मैं समर्थन करती हूँ। और जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं ना, तो समझ लो, क्योंकि वो लोग जानवरों को प्यार करते हैं। और भैया, जब जानवरों को प्यार करते हैं तो वो जानवरों को ही बचाने की बात करते हैं, इसलिए उस पर ज्यादा तुलना दिया तो अच्छा है। बिल्कुल साफ हो गया। और कल का दिन तो हमारे लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। इधर भगवान राम के मंदिर के लिए पूरा देश खुशी बना रहा है। और कल एक जो फैसला आया, 20 साल का जो स्टे काशी जी पर था, वो टूट गया है। उसकी भी सुनवाई अब जल्दी होगी। हमें विश्वास है कि वो भी हमारे पक्ष में।